इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गया, अब क्या? इलेक्शन होने के बाद शुरू होता है वफाकी और सूबाई असेंबली बनाने का प्रोसेस। कैसे, आपको बताते हैं। कौमी असेंबली की इस बार 336 सीट्स थी, जिनमें से 265 सीट्स पर बराहे रास्त इंतखाबात के जरिए अराकीन मुंतखब हुए हैं। मजहबी अकलियतों के लिए 10, खवातीन के लिए 60 नशिस्तें भी रिजर्वड हैं, जिन्हें 5% से जायद वोट हासिल करने वाली जमातों के दरमियान में नुमाइंदगी के तनासब से तकसीम किया जाता है। और वफाक में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी पार्टी के लिए 169 मेंबर्स की हमायत होना लाजिम है, तभी वो वजीर आजम का ताज अपने सर सजा सकते हैं। पंजाब असेंबली की टोटल 371 सीट्स हैं, जिनमें से 296 सीट्स पर बराहे रास्त इंतखाबात मुनक्किद हुए हैं। खवातीन की 66 और अकलियतों की 8 मखसूस नशिस्तें शामिल हैं। और सूबे में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 149 अराकीन की हिमायत होना लाजिम होगी। ऐसे ही सूबे सिंध की 168 नशिस्तें हैं, जिनमें से 130 नशिस्तों पर बराहे रास्त इंतखाबात मुंतखब हुए हैं। खवातीन की 29 और अकलियतों की 9 मखसूस नशिस्तें शामिल हैं। और सूबे में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को असेंबली में मौजूद 66 अराकीन की हिमायत होना लाजिम होगी। सुबह खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहां सूबाई असेंबली की टोटल 148 नशिस्तें हैं, जिनमें से 113 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाबात मुंतखब हुए हैं। खवातीन की 26 जबकि माइनॉरिटी की 4 सीट्स रिजर्वड हैं। और यहां हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को 57 अराकीन की हिमायत दरकार होगी। सुबह बलूचिस्तान की बात करें तो यहां टोटल 65 नशिस्तें हैं, जिनमें से 51 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाबात मुनक्किद हुए हैं। यहां खवातीन की 11 जबकि माइनॉरिटी की 3 सीट्स रिजर्वड हैं। और यहां सूबे में असेंबली बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 26 अराकीन की हिमायत होना लाजिम होगी। पार्लिमानी इंतखाबात में मरकजी और सूबाई सतह पर कामयाब होने वाले उम्मीदवार 5 साल के लिए कौमी और सूबाई असेंबली के अराकीन मुंतखब होते हैं, जिन्हें MNAs और MPAs कहा जाता है।